الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى आज आप लोगों की बराह रास्त सबकी कंबाइन इस तरह से क्लास लेनी तो नहीं थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसका फैसला करना पड़ा। हमारी कोशिश ये होती है कि बाज़ क्लासेस इस तरह से भी ले ली जाएं कि आम तौर पर बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनको हम किसी खास डिसिप्लिन के तहत आमतौर पर बयान नहीं हो सकते, किसी खास मौजू के तहत। तो हम जमा कर लेते हैं चंद एक ऐसे मौजूआत को कुछ ऐसी क्लासेस के लिए जो इस तरह से नागहानी तौर पर लेनी पड़ जाए तो आपके लिए फायदेमंद भी हो जाती है बाज़ औक़ात सूरत हाल। इत्तेफाक से खुद ब खुद ही आज इस अजीम सानहे का जो पाकिस्तान में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हुआ, हो सकता है कि इसके अंदर जो भी हलाक लोग हुए हैं उनके लाहिकीन ये सोच रहे हों कि कल का दिन कितना मनहूस था कि जिसकी वजह से इतने लोग लुक्मा अजल बन गए। इसकी वैसे तो तफसील हम कभी और बयान करेंगे कि इस तरह के जो हादसात होते हैं इसमें क्या हिकमत पोशीदा होती है, लेकिन बकौल आयतुल्ला मोहसिन क़िरैती के जिस तरीके से किसी भी बिल्डिंग या अगर हम ज्यादा सही मिसाल दें तो किसी सिनेमा घर, जो कि शायद इतनी अच्छी मिसाल तो ना बने, जिसमें कई एग्जिट होते हैं। आपने हो सकता है सुना हो कि सिनेमा घरों में कई एग्जिट्स होते हैं निकलने की, तो इसी एतबार से इस दुनिया से निकलने के भी कई एग्जिट्स हैं, निकलने के कई दरवाजे हैं। कोई जलजले के जरिए चला जाता है, कोई तूफानों के जरिए चला जाता है, तो कोई बीमारी में जाता है, तो कोई किसी और वजह से जाना सबको बहरहाल है। जल्द या बदेर वो जब हुक्म खुदा आ जाए फिर बस फरिश्ते अजल जिस वक्त आ जाए फिर उसको लब्बैक ही कहना होता है। लेकिन जिस मौजू के ऊपर हमें आज गुफ्तगू करनी थी वो है इस मौके से फायदा उठाकर क्या इस किस्म के जो वाकयात होते हैं उनमें नहूसत अय्याम का कोई दखल होता है। अय्याम जो मुख्तलिफ दिन होते हैं क्या इनके मनहूस होना या इनका नेक होना और साद होना इसमें इस्लामी नजरिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो अच्छा इसके अंदर वो सब भी चीजें आ जाएंगी जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और लोग आमतौर पर कंफ्यूज होते हैं कि जो हॉरोस्कोप्स होते हैं और ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जो आप लोग में से अक्सरियत बड़े शौक से अखबार के अंदर चीज पढ़ती है, उस मुतालिक भी इस मौके से फायदा उठाते हुए उसका भी मसला बयान कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर इसकी तारीफ क्या है। अय्याम के मनहूस होने या साद होने और नेक होने के अंदर हम कैसे कहेंगे कि कौन सा दिन मनहूस है और कौन सा दिन नेक है। देखिए इसकी तारीफ, हर वो दिन या हर वो जमाना, हर वो साथ, हर वो घड़ी कि जिसमें इंसान शर और बुराई के अलावा कोई भी चीज ना देखे, शर और बुराई के अलावा इंसान उस दिन कोई वाकया ना देखे और इंसान अपने तमाम आमाल व अफाल में उसके बरकत ना रहे और वो किसी नेक नतीजे के हामिल ना हो, इसको कहा जाएगा कि वो दिन मनहूस दिन है। देखिए अभी सिर्फ हम तारीफ की हद तक बात कर रहे हैं कि दिन को मनहूस कब कहा जाएगा, यानी हर वो दिन, वो जमाना या वो साथ या वो घड़ी जिसमें इंसान शर और बुराई के अलावा कुछ ना देखे और तमाम आमाल व अफाल के अंदर उसके बरकत खत्म हो जाए और वो कोई नेक नतीजे के हामिल ना हो। ये एक अकली तारीफ है, ये एक तारीफ है दिन के मनहूस होने की। अच्छा दिन के नेक होने की इसकी बिल्कुल बरक्स कर लीजिए कि उस दिन या जमाना या वो घड़ी इंसान सिवाय नेकी और खैर के कुछ ना देखे, ये एक तारीफ हो गई दिन के नेक होने की। अच्छा अब आ जाइए अकली तौर पर, ये तो तारीफ हमने बयान की अभी सिर्फ, अकली तौर पर ये बात याद रख लीजिए, अभी हम शरीयत की बात नहीं कर रहे, वो उसके बाद का मरहले पे बात आएगी।
अकली तौर पर कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं कि जिसके तहत हम ये बात प्रिडिक्ट कर सकें कि फला जमाना, फला दिन या फला सात या फला घड़ी साद या नहस होगी। अच्छा, एक तो तरफ बात यह हो गई, हम ये पता चला ही नहीं सकते कि कौन से जमाने की कौन सी साद जो है अकली तौर पर वो साद या मनहूस है। इसी एतबार से हम इसका मुकम्मल तौर पर इनकार भी नहीं कर सकते, इसकी भी हमारे पास कोई दलील अकली नहीं है कि जिसके तहत हम ये बात पता चला सकें कि फला जमाना या फला जो चीज है वो इस किस्म के नजरियात बिल्कुल बेकार हैं और हम उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। लोग आमतौर पर जो दोनों एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते इन चीजों को और कुछ लोग हद से ज्यादा इन चीजों के ऊपर एतकाद रखते हैं। अकली तौर पर हमारे पास कोई ऐसा मियार नहीं है जिसके तहत हम दिनों को मनहूस या साथ करार दे सकें, ये अकल की बात हो गई। अब आ जाइए शरई बात। शरई तौर पर वैसे अगर लफ्ज के एतबार से अगर हम देखें तो कुरान के अंदर भी और रिवायात के अंदर भी ये वाले अल्फाज आए हैं। मतलब खुद कुरान के अंदर जो सूरह कमर है, सूरह कमर के अंदर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, यानी कौम आद के मुतालिक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि कौम आद पे जो अजाब हुआ था कि उस सख्त मनहूस दिन हमने एक जबरदस्त तूफानी हवा कौम आद के ऊपर चलाई। इसका मतलब ये हुआ कि बहरहाल इस किस्म के अल्फाज ये कुरानी ताबीरात भी हैं, कुरान के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, इतना और आपके इल्म में होगा कि कौम आद के ऊपर 8 दिन और 7 रातें मुसलसल जबरदस्त तूफानी हवाएं चली उस जगह। तो ये जो कौम आद के ऊपर परवरदिगार आलम ने उस मनहूस दिन अजाब नाजिल किया था, यौम नहसिन जिसको कुरान ने कहा, 8 दिन और 7 रातें मुसलसल उनके ऊपर वो अजाब होता रहा, तूफानी हवाएं चलती रहीं और इस तरह के देवहैकल जो 18-20 फुट के लोग थे वो उनको जमीन से आसमान में उठा उठा के हवाएं ले जाती थी और जमीन पे लाके पटकती थी। ये उनके ऊपर एक अच्छा उनके क्या अजाब उनके ऊपर किस वजह से ये अजाब आया, उनके गुनाह क्या थे, एक अलग मौजू है कौम आज का, वो आप पढ़ सकती हैं मुख्तलिफ किताबों के अंदर। लेकिन जो हमें इसमें जो खासतौर पर बात बयान करना थी वो यही था कि उस मनहूस दिन। अच्छा, एक तो यही सूरह कमर की 19वीं आयत के अंदर ये मजमून आया, दूसरा यही मजमून सूरह हामीम सजदा में भी आया लेकिन उसमें तो एक दिन का तस्करा है यौम नहजिन। दूसरा जो दूसरी जो आयत है हामीम सजदा की उसके अंदर प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, हमने कौम आद की हलाकत के लिए मनहूस दिनों में जोरदार आंधी चलाई, अय्याम नहसातिन उसके अंदर ये वाला जुमला इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब लेकिन इसमें एक बात उलमा ने कही, इसमें कहीं भी ये बात फिर भी साबित नहीं होती है कि ये बात कहीं भी शायद से बहरहाल साबित नहीं हो रही कि हर साल हर हफ्ते वही नहुसत वाकई होगी, ये कहीं शायद के अंदर तस्करा नहीं। उस वक्त के लिए तो कुरान ने कहा है कि वो हमने मनहूस दिन में जबरदस्त तूफानी हवा चलाई या उन मनहूस अय्याम के अंदर हमने हवा चलाई, लेकिन क्या ये इस बात की भी इससे ताईद होती है कि आइंदा साल के उस महीने में या उन दिनों के अंदर भी वो नहुसत कारफरमा रहेगी, ये शायद के अंदर कहीं भी तस्करा नहीं। वरना हर महीने का कम से कम एक हफ्ता जरूर मनहूस हो जाता क्योंकि पूरे 8 दिन और 7 रातें उनके ऊपर यह अजाब नाजिल होता रहा। अच्छा, इसी एतबार ये तो नहुसत वाली बात हुई, इसी एतबार से साद अय्याम का भी तस्करा कुरान के अंदर आया है। मसलन वो जो सूरह दुखान के अंदर आप पढ़ती हैं, इन्ना अंजल ना हो फी लैलतिन मुबारक, हमने इस कुरान को मुबारक रात के अंदर नाजिल किया, यानी मुबारक और साद ये कुरान ने ताबीरात इस्तेमाल की हैं। वो जो आप पढ़ती हैं सूरह कदर में उसमें भी इस रात को बरकत वाली और सईद रात करार दिया गया, इसका मतलब है कि बरकत और सआदत ये बहरहाल ये भी कुरान ने इस्तेमाल की। अच्छा, रिवायात की हद तक अगर हम इस चीज अभी देखिए थोड़ा सा आपके सामने मैं नक्शा पेश कर रहा हूं इसका, उस दिन के हवाले से जैसे इत्तेफाक से जो जलजला जो लोगों के दिमाग में आया कि मनहूस दिन था। अच्छा देखिए, बिहारुल अनवार की जो तबअ जदीद है उसकी जो 56वीं जिल्द है उसमें अल्लामा मजलिसी ने बहुत सारी ऐसी रिवायात बयान की हैं कि जिसके अंदर
अयाम की नहुसत और सआदत का तस्करा हुआ। अच्छा, लेकिन इसके अंदर उलमा का कहना यह है कि ज्यादातर उन रिवायात के अंदर या तो ज़ईफ़ हैं और या बेसनद है, कोई सनद ही नहीं है उनकी, और सिर्फ चंद एक ऐसी हैं कि जो कि मोतबर, और उन मोतबर में भी कुछ उलमा का कहना है कि उनको ज्यादातर तकय्ये पे महमूल किया जाएगा। वो मैं इसके आगे इसकी एक तफसील भी बताने वाला हूं। इन रिवायात में आमतौर पर जो जिसमें जो नहुसत का तस्करा हुआ, खासतौर पर एक तो हर हफ्ते के बुध के दिन का तस्करा हुआ है, हर हफ्ते के बुध का दिन और हर महीने का आखिरी बुध, इसका भी तस्करा हुआ है, हर अरबी महीने के 7 दिनों का मनहूस होने के तौर पर तस्करा हुआ है, और हर रूमी महीने के 2 दिनों का तस्करा। अभी तो सिर्फ मालूमात के हिस्से की बात सुनिए, अभी हम आखिर में इसका एक नतीजा आपके सामने पेश करेंगे कि ये इसके क्या मायने होंगे। अच्छा, अब उलमा ने इसमें एक बात कही कि जिन रिवायात जो कि मोतबर भी हैं, कि असल में ये दिनों को जो मनहूस समझने का मकसद है, ये फकत आपके तकवे में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, ये बात याद रखिए, दिनों को मनहूस समझने का मकसद आपके तकवे में इस्तेहकाम पैदा करना है। मसलन जिस तरीके से रहलत खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मसलन आशूरे का दिन, यानी मकसद ये है कि उस दिन को मनहूस करार दिए जाने का, कि उस दिन इंसान मसलन कोई काम ना करे, कोई कारोबार ना करे, मशागले दुनिया के अंदर मशगूल ना हो, ताकि उसका जो दीनी जज्बा है बहुत ज्यादा कवी हो जाए, ये इसका एक मकसद है। देखिए, हौज़े इल्मिया जो हैं हमारे, उनके अंदर एक उलमा के दरमियान एक सीरत में चीज राइज है कि अय्याम शहादत में पढ़ाई की मुकम्मल छुट्टी करते हैं, बल्कि अक्सर उलमा का, जैसे मैंने एक दफा आपकी खिदमत में बयान भी कर चुका हूं, तो उनका ये कहना है कि अय्याम शहादत के जो दिन है उस दिन दीनी पढ़ाई भी मुकम्मल मौकूफ रखी जाए, वरना से निस्यान का मर्ज पैदा हो सकता। ये बाकायदा एक उलमा में बात मशहूर है, लिखी भी तो किसी जगह नहीं पढ़ी है, लेकिन वहां के दीनी तालिब इल्म बताते हैं कि उलमा आमतौर पर इसको मना करते हैं कि बहरहाल दिनों के ये असरात होते हैं। तो इसमें तकवे में इस्तेहकाम आपको पैदा करने का मकसद ये है कि ताकि इंसान उन अय्याम की हुरमत को अपने अय्याम की हुरमत का ख्याल करे और उनकी उन दिनों की बेहुरमती ना करे। मसलन अगर इंसान को शुतर बेमहार की तरीके से बिल्कुल आजाद छोड़ दिया जाता कि इंसान मशगूलात दुनिया के अंदर वैसे ही मुनहमिक रहता जिस तरीके से आम दिनों में वो रहता है, ना वो ये सोचेगा आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, आज के दिन कौन सा वाकया पेश आया था, तो इंसान एक बेहिस्सा होता चला जाता है और वो उस हता के हुरमत का मुर्तकिब हो सकता है उन मखसूस दिनों की, जिसकी याद से इंसान के अंदर तकवे में एक इस्तेहकाम पैदा होता है। अलबत्ता ये जो हम एहतराम की बात कर रहे हैं, पढ़ाई को मौकूफ करने की बात कर रहे हैं उन मखसूस तारीखों की वजह से, ये फकत और फकत सिर्फ चंद है, लेकिन इसके अलावा जितने भी इन अहम दिनों के अलावा जितने भी आम दिन बनते हैं उनके अंदर, उसमें आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने बिल्कुल इस बात की ममानियत की है, और उस दिन ये सोचकर कि हम अपने कामों को अंजाम न दे कि दिन मनहूस है, इस बात से रोका गया, बल्कि ये बात कही गई कि इंसान को चाहिए कि वो रोजे, नमाज, दुआ, कुरान, सदका या किसी भी नेक काम के जरिए उस दिन की नहुसत को दूर करें। ये बात कही गई रिवायत के अंदर, लेकिन आम तौर पर किसी भी काम से रुक जाना, ये सिर्फ उन मखसूस चंद एक दिनों के अलावा, ये और चीजों के ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे इस बात को कि वो चंद एक मखसूस दिन ऐसे हैं जिस दिन काम छोड़ देना चाहिए, इसका मतलब ये कि फला दिन सफर ना करो और फला दिन ये ना करो और फला दिन वो ना करो। इसकी मैं आगे चल के हल भी बताने वाला हूं आखिर में उलमा का। सहल इब्न याकूब, ये एक रावी हैं 11वें इमाम के, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाते हैं कि आते ही इमाम की खिदमत में कहते हैं कि मौला, अक्सर हमको बहुत जरूरी काम पेश आ जाते हैं जो हमको लाजमी अंजाम देने, लेकिन उन दिनों की नहुसत हमको खौफजदा रखती है और हाथ पांव बांध देती है और हम वो काम नहीं करते।
इमाम ने कहा, अब देखिए इमाम के अल्फाज, हमारे शियों के लिए विलायत जो उनके दिलों में है वो उनके लिए किलाए अमान है, हमारी विलायत और मोहब्बत। और अगर किसी के दिल में ही हो, मफहूम रिवायत इमाम का ये, तो उसको कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारी विलायत अगर किसी के दिल में हो और हमारी मोहब्बत, ये हमारे मोमिनीन शियों के लिए किलाए अमान है। इस विलायत की ताकत के साथ दुनिया की कोई ताकत उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस खुदा पर भरोसा करो और विलायत को खुलूस से अपने दिल में जगा दो, फिर जहां चाहे चले जाओ और वक्त माशेता जो चाहे करते फिरो। ये इमाम ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया, जहां चाहे चले जाओ हमारी खुलूस के साथ, बस हमारी विलायत को अपने दिल में जगा दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे जलजले के मुतालिक तो खैर नहीं है, अलबत्ता आसमानी बिजली के मुतालिक बहुत सी रिवायात में ये बात आई है कि हमारे शिया जो हैं उनके ऊपर ये ना कभी हमने सुना है कि कोई आसमानी बिजली गिरने से हलाक हुआ। तो बहरहाल ये उनके अंदर जो मोहब्बत अहले बैत पाई जाती है, तो बहुत सी तूफानी आफतों, ये जो आफात हैं इनसे भी, कुदरती आफात, इनसे भी इंसान बच सकता है। और एक रिवायत जो कि शेख सदूक ने खिसाल में लिखी है, जो कि सातवें इमाम इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, लोगों ने सातवें इमाम को ये देखा कि इमाम जुमे के दिन इलाज करवा रहे हैं। अच्छा इतना और बता दूं, देखिए उस जमाने में बहुत सारे ऐसे औहाम लोगों के दिलो दिमाग के अंदर मौजूद होते थे, और इमाम एकदम से उसके खिलाफ, यानी कुछ ना कुछ, जाहिर है कि जो लोगों का बिल्कुल एहतिकाद बन जाए ना कोई चीज, वो इतनी जल्दी उनके दिमाग से निकलती नहीं। अच्छा इस रिवायत से भी जाहिर होता है कि शायद सातवें इमाम को ब्लड प्रेशर का मर्ज था। लोगों ने देखा कि इमाम जुमे के दिन जोंके लगवा रहे हैं। अच्छा जोंके लगवाने से जिस्म से खून निकाला जाता था, उस जमाने में ये ब्लड प्रेशर की गोलियां तो नहीं थी। आज भी किसी अगर जगह पर बहुत ज्यादा किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, तो बहरहाल उसका एक मेडिकल ट्रीटमेंट ये है कि कुछ ना कुछ, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का, हमारे पास कोई दवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उसके जिस्म से खून निकाल दिया जाए तो उसका जिस्म का ब्लड प्रेशर खुद बहुत कम हो जाता है। इमाम ने भी उस जमाने में, और तो कोई गोलियों वगैरह के तरीकेकार तो नहीं थे, लोगों ने देखा कि इमाम जोंके लगवा रहे। इमाम ने फरमाया, नहीं मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर जोंके लगवाई, और तुम भी ऐसा ही किया करो। और इमाम ने फरमाया, फाइजा हाजा बेकद दम, जब भी तुम्हारा खून खोलने लगे, जब भी तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर होने लगे, ये बाकायदा जुमला इमाम का, फाइजा हाजा बेकद दम, जब भी तुम्हारा खून खोलने लगे या ब्लड प्रेशर होने लगे, चाहे ये दिन में हो रहा हो चाहे रात में हो रहा हो, आयतल कुर्सी पढ़कर अपना इलाज कर लिया करो, आयतल कुर्सी पढ़कर अपना इलाज करवा लिया करो, फिर किसी किस्म का कोई वहम तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लोगों के दिमाग में था कि जुमे के दिन या उस खास साथ उस वक्त शायद इलाज नहीं करवाना चाहिए। इमाम ने कहा, नहीं इसको करने की कोई जरूरत नहीं, आयतल कुर्सी पढ़ो और अपने दिमाग से चीज निकाल दो। इसी तरह की एक रिवायत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मरवी, रावी इमाम की खिदमत में हाजिर होने के इरादे से अपने घर से चला। वो कहता है कि घर से चला मेरी उंगली जख्मी हो गई, फिर किसी जगह आगे कहीं गया, जोरदार किसी शख्स से टक्कर हो गई, और फिर जब खिदमत इमाम में पहुंचा तो इतना ज्यादा लोगों का रश था कि इमाम तक पहुंचने में मेरे कपड़े भी फट गए। मैंने दिल ही दिल में कहा, कितना मनहूस दिन है, खुदा इस मनहूस दिन के शर से मुझे बचाए, ये मैंने दिल में कहा। खैर खिदमत इमाम में पहुंच गया, रावी का नाम था हसन। इमाम ने कहा, हसन ये कैसी सोच तुम्हारे दिल में आई, तुम तो हमारे आसपास रहते हो, अपना गुनाह किसी बेगुनाह के जिम्मे क्यों करते हो। एकदम से रावी कहता है कि मुझे अकल आ गई। मैंने कहा, मौला मैं, मेरे लिए
खुदा से मगफरत तलब करें कि ये मेरे दिमाग में इस किस्म का ख्याल आया। इमाम ने उसकी इस बात को नजरअंदाज किया और अपनी बात आगे बढ़ाई। ऐ हसन, दिनों ने आखिर क्या गुनाह किया है जब तुम्हें अपने किए की सजा मिलती है तो तुम दिनों को मनहूस करार देने लगते हो। रावी कहता है, हसन मौला मैं अपनी गलती पर हमेशा के लिए तौबा करता हूं। इमाम ने फिर उसकी बात को नजरअंदाज की और बात आगे बढ़ाई। इमाम फरमाते हैं, खुदा तुम्हें सजा देता है और तुम ऐसे जुर्म की वजह से दिनों की मजम्मत करते हो जिसके वो मुर्तकी भी नहीं हुए। हम कहते हैं ना, भाई फला दिन ऐसा था, फला दिन ऐसा था, उसने कौन सा दिनों ने जुर्म किया है कि हम उनके ऊपर इल्जाम लगा देते। और उलमा ने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि दिन भी बहरहाल खुदा की एक मखलूक है, उनके ऊपर भी तोहमत और इल्जाम हम नहीं लगा सकते। जब भी अक्सर आइम्मा ने जमाने को बुरा कहने से भी मना किया, जैसे मौला की रिवायत मैंने मौत की दर्स के सिलसिले में पेश की थी कि जमाने को, कब जमाने ने तुमको धोखा दिया, तो बिल्कुल इसी तरह से दिनों ने कोई कसूर नहीं किया। फिर इमाम ने फरमाया, हुक्म खुदा में मदाखलत अय्याम का अकीदा दिल से निकाल दो। अब रावी ने कहा, मौला मैं यकीनन ऐसा ही करूंगा, मैं जरूर ऐसा करूंगा और इस किस्म के अकीदे को दिल से निकाल दूंगा, फिर कहीं जाके रिवायत खत्म हो। तो आपने देखा कि कितना ज्यादा आयम्मा ने इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि हम उन मखसूस दिनों के अलावा, यह चंद एक मखसूस दिन और हैं जिस तरीके से अक्सर आप, खैर वो अभी हम आगे चलकर जब सितारों की बात करेंगे उस वक्त भी बात आएगी, सिर्फ मसलन हम निकाह के जो दिन देखते हैं उसके अंदर के जनाब कमर दर अकरब वाकई न होने पाए या मखसूस फला फला तारीखों के अंदर कराइए थे उनको छोड़ते हुए, क्योंकि वो तो फिकी मसाइल हैं, लेकिन इनके अलावा आमतौर पर जो हम कैलेंडर्स के अंदर देखते हैं उसमें तो पता ही चलता है कि हर दो एक दिन बाद कोई ना कोई एक दिन मनहूस आ ही रहा होता है। उन दिनों की खास तौर पर बात हो रही है जो बिल्कुल मसाइल फिक्र के तहत जो दिन इस तरह के साबित हैं कि जिनके अंदर कराइयत है निकाह की है किसी काम को करने की, उनको छोड़ते हुए जो मोतबर रिवायत से साबित हो। अब आ जाइए उलमा का नजरिया सिलसिले में क्या है। उलमा ये कहते हैं, खास तौर पर आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन तबतबाई, उन्होंने इसके अंदर बड़ी अच्छी उनकी एक तहकीक है और वो उन्होंने पेश की, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अय्याम की नहूसत का दारोमदार उसके मनहूस समझने पर है, उसका एक खास नफ्सियाती असर होता है। अच्छा, ये रिवायात जो आई है जिसमें अय्याम को मनहूस करार दिया गया है, ये असल में आयतुल्लाह तबतबाई फरमाते हैं ये बदशगुनी के नफ्सियाती असरात से निजात दिलाने के लिए बयान हुई है। यानी अगर किसी शख्स के दिल के अंदर इतनी कुव्वत हो कि वो नहूसत की बातों की परवाह ना करे तो सबसे बेहतर यही है कि वो बिल्कुल परवाह ना करे और खुदा पे तवक्कुल करते उस काम को करता रहे, बिल्कुल परवाह ना करे, जिसका अकीदा दिमाग से निकाल दे। और अगर किसी में इतनी कुव्वत ना हो उसके दिल में और उसको फिर भी वहम आ जाते हो कि नहीं ये लिखा हुआ है कि मनहूस है, मुझे काम नहीं करना चाहिए, फला तारीख को ये हो सकता है, तो अगर किसी के दिल में इतनी ताकत ना हो कि इन ख्यालात को झटक सके तो फिर उलमा फरमाते हैं तो फिर वो खुदा पर भरोसा, तिलावत कुरान, दुआ, सदका या किसी भी नेक काम के जरिए उस बदशगुनी के नफ्सियाती असरात को अपने से दूर करे। मतलब अब उसको इत्मीनान हो जाएगा दुआ पढ़ने के बाद, सदका देने के बाद, नहीं अब इस चीज की मनहूसत खत्म हो गई। इन तमाम चीजों को जिसके दिल में इतनी ताकत हो वो तो इनको वैसे ही नजरअंदाज कर दे, लेकिन जिसके दिल में इतनी ताकत नहीं है और उसको फिर भी वहम आ जाते हैं उसके लिए वो इन चीजों से मदद ले। और फरमाते हैं आयतुल्लाह तबतबाई के जो रिवायात मुसल्लमा तौर पर मिलती भी हैं कि जिसके अंदर इस किस्म का नजरिया बयान हुआ है वो तकय्ये पे उनको महमूल किया जाएगा। खैर इसकी एक अलग तफसील है जो हम फिलहाल हम उस तफसील के अंदर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, फिर वो जो अब अखबारात में बढ़ती हैं, हफ्ता कैसा रहेगा, सितारों के असरात क्या हैं, इस मुतालिक भी नजरिया वही है। कोई दलील हमारे पास ऐसी नहीं है कि जिससे सितारों के साज या मनहूस असरात के हतमी नताइज हमारे ऊपर कोई मुंतबिक हो सके, कोई ऐसा हतमी नजरिया नहीं पाया जाता, कोई ऐसा दायमी हुक्म नहीं है कि फला मौके पर अगर सितारों की आसमान में ये कैफियत होगी तो उससे फला फला वाकया रुनुमा हो सकता है। और अगर कोई पेशगोई कर भी दे, जो बाज़ औक़ात नजूमी हजरात करते ही, और बल्कि वो जो
शहीद दस्ते गैब का जुमला है जो मेरा इरादा था कि कयामत की जब हमारी गुफ्तगु मौत के सिलसिले में वहां तक पहुंचेंगे उस वक्त बात बयान करूंगा, लेकिन आज बयान कर देते हैं। शहीद दस्ते गैब कहते हैं कुरान में परवरदिगार आलम ने कयामत के मुतालिक 1000 आयतें बयान की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इन आयतों पर उतना भी यकीन नहीं करता जितना एक नजूमी की बात पर यकीन करता। जब ये होगा ये होगा ये होगा, हम कहते हैं हाँ होगा, देखा जाएगा क्या होगा, उतना भी नहीं। क्या मामूली सा नजूमियों की बात आने लगती है चांद के सिलसिले में तो लोग साइंटिफिक बातों को भी नहीं मानते और फलां नजूमी की बात पर यकीन कर रहे होते हैं जो अखबार में आती है। तो बहरहाल कोई हमारे पास अच्छा कभी पेशगोई जाहिर है, जो भी कोई आदमी करता है कभी सच्ची साबित होती है कभी झूठी साबित होती। मेरे करीबी दोस्त हैं वो अक्सर इस मुतालिक मशहूर भी हो गए, फिर मैंने उनको मना किया कि आप इस किस्म की पेशगोईयां ना किया करें। वो पेशगोई मसलन उन्होंने ऐसी जाहिर है कि मुत्तकी परहेजगार शख्स हैं, किसी से कह दिया होगा, किसी ने पूछा कि बेटा होगा या बेटी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, उन्होंने कह दिया जो भी उनके दिमाग में आया, कह दिया ये होगा वही हो गया। देखिए जाहिर है कि 50-50% तो होता है ना, तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो 2-3 अफराद के साथ भी अगर ऐसा हो गया, सिर्फ फकत 2-3 अफराद के साथ भी कि उन्होंने इत्तफाकन उनके जो भी मुंह में आया, क्योंकि 50% तो इम्कान था, तो उस लिहाज से इंसान मशहूर दर मशहूर होता चला जाता है, वो 3 अफराद 30,000 अफराद तक उस बात को मुंतकिल कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात ये नजूमियों की जो पेशगोईयां होती हैं ये आमतौर पर इसी अंदाज से ज्यादा मशहूर हो जाती हैं। हाँ अलबत्ता अगर कोई इन सितारों के असरात का कोई नजरिया ऐसा बना ले कि नहीं भाई ये मेरा दिल नहीं मानता, सितारों के असरात तो जरूर होते हैं, तो बहरहाल इतना और बता दूं कि ये नजरिया कोई इतना इस्लाम से मुतसादिम भी नहीं, और ये ऐसा सोचना कि इससे ये हो सकता है कोई हराम ख्याल नहीं। सिर्फ उस वक्त हराम है सितारों को जब हम मौसर बिजात समझने लगे कि सितारे जाती तौर पर इतनी उनके अंदर कुव्वत और ताकत है कि वो हमारी जिंदगियों पर अपने असरात डाल सकते हैं। देखिए ये जो हम उलूम हासिल करते हैं नजूम वगैरह इल्म नजूम, ये इल्म बहुत उलमा से इस्तफ्ता किए गए आयतुल्ला सिस्तानी से भी और जितने भी महाराज हैं उन तकरीबन सबसे ये इस्तफ्ता हुआ कि क्या इल्म नजूम हासिल करना हराम है, क्या इल्म नजूम हासिल करना हराम है। सबका तकरीबन जवाब यही आया कि इस इल्म को हासिल करना तो हराम नहीं, इस इल्म को हासिल करना तो बहरहाल हराम नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल उस अंदाज से हम अगर समझने लगे कि बस सितारों के बराहरास्त हमारी जिंदगी के ऊपर असरात मुरतब होते हैं तो उस वक्त ये फकत हराम होगा। एक रावी इमाम के पास आता है और आके कहता है कि मौला मुझको इल्म नजूम बहुत पसंद है, अगर ये इल्म मेरे दीन के लिए नुकसानदेह है तो मैं इसकी तरफ ना जाऊं, क्योंकि जो इल्म मेरे दीन के लिए नुकसानदेह हो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए रावी के जो अल्फाज हैं रिवायत के अंदर, तो क्या मैं इस इल्म को हासिल कर सकता हूं। इमाम ने कहा देखो इल्म दीन इल्म नजूम तुम्हारे, रावी ने कहा मौला क्या इस इल्म नजूम को कोई शख्स जानता है, कहा कि हां सिवाय चंद अफराद के जिसमें से एक हिंदुस्तानी खानदान है और एक अरब खानदान है, इसके अलावा इल्म नजूम को कोई नहीं जानता। तो बहरहाल इसमें वही असूल है कि अगर आपका दिल मुतमईन हो रहा है, आपके दिल के अंदर इतनी सलाहियत है, तो आप इन सितारों के असरात वगैरह इसको बिल्कुल ही एक तरफ आप कर दीजिए, और अगर दिल इतना कवि नहीं है, हमारा दिल नहीं मान रहा, हमें वहम आ रहे हैं, तो सदका दुआ कुरानी आयात नेक काम इसके जरिए आप अपने दिल को तकलीफ पहुंचाएं और इस बहन को निकालने की कोशिश करें। एक हाल ही में मैंने देखा एक साहब अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में बहुत परेशान थे कि फला निकाह की तकरीब उस वक्त मुनक़िद मैं करूंगा सीगे निकाह के जब फला बुर्ज के अंदर फला सितारा दाखिल हो जाएगा, कि वो कौन सी वो शुभ घड़ी या नेक घड़ी होती है उसके अंदर। तो अगर देखा जाए तो फकत और फकत अगर कोई चीज नुकसानदेह है और मनहूस है तो असल में वो गुनाह है इंसान के। उस शादी की तकरीब में अगर किसी को उससे बचाना है अपने आप को, तो गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा कोई भी चीज अपने वहम को दिमाग में ना लेकर आए कि असलन जो मनहूस चीजें हैं वो गुनाह है जो इंसानी जिंदगी पर और आखरत के ऊपर अपने असरात को डालते हैं।
پھر ایک اور روایت میں ایک راوی امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ ایام سے دشمنی نہ کرو ورنہ وہ تم سے دشمنی کرنے لگیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا ایام سے مراد ہم ہیں، جو ہم سے یعنی ہم سے دشمنی نہ کرو. تو جو اکثر اس قسم کی جو روایات بیان بھی ہوئی ہیں ایام سے دشمنی نہ کرو ورنہ وہ تم سے دشمنی کرنے لگیں گے، اس سے مراد آئمہ معصومین علیہم السلام ہیں.